इधर बिहार कैबिनेट की कल हुई बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की धमकी दे डाली है। दरअसल हाल के दिनों में सुधाकर सिंह द्वारा दिए गए बयानों पर नीतीश कुमार ने टोका और कहा कि इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। इस पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसा है तो इस्तीफा दे देता हूँ। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा था कि कृषि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार बन गया हूं। बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह के सीधे जवाब से सीएम नीतीश समेत पूरा मंत्रिमंडल थोड़ी देर के लिए सन रह गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ। मणिभूषण, यहां पर मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए खुशबू, यह मामला जो है जो कृषि मंत्री है उनके द्वारा एक कैमूर में एक बयान दिया जाता है, जिसके बाद जो है मीडिया में जो है उनका बयान को लेकर काफी किरकिरी देखी जाती है। उसके बाद जो है कल कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में वो उपस्थित होते हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री ने उनसे सवाल जवाब करना चाहा कि आखिर ऐसा बातें आपने क्यों कही, आपको जो काम करना है वो काम करिए, लेकिन मीडिया में इस तरह का बयान जो है वो महागठबंधन सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने कैबिनेट बैठक से ही वो अपने कहा कि इस्तीफा देने ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप कई सारे आरोप लगाए हैं कि जो है अभी जो कृषि रोड मैप चौथा जो है वो पास होना है तो उसको भी उन्होंने नकार दिया। जो बीज निगम है वहाँ पे जो है किसान जो है वहाँ से बीज का उठाव नहीं करते हैं, तो कई सारे मामलों को लेकर जो है उन्होंने गंभीरता से अपनी बात रखी थी, जिसके बाद से जो कैबिनेट बैठक में जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर महागठबंधन की सरकार की स्वास्थ्य की बात करें तो उसके बाद से लगातार सुर्खियां पकड़ रही है उनकी बातें, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई या हमारी मंत्री पद जाती है तो उससे भी हम कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम जनता की आवाज बराबर उठाते रहेंगे। ये जो है पूरे मीडिया में है जो कल इनका जो है बयान। मणिभूषण, यहाँ पर सुधाकर सिंह ने ये बात कही थी कि कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे चोर हैं और मैं चोरों का सरदार बन गया हूँ, आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही? देखिए ये संदर्भ कैमूर में उन्होंने कहा था कि काफी सारे जो है योजनाएं हैं वहां पे जो है अनियमितता देखी गई उनकी तरफ से। उन्होंने यह भी बात कहा कि पदाधिकारी जो है हमारे बात नहीं सुनते हैं। इन सारी बातों को उल्लेख करते हुए जो है उन्होंने ये बात कही, और जिस प्रकार से यूरिया को लेकर जो कालाबाजारी होते हुए देखा है उन्होंने, और एक वो जिस बेल्ट से आते हैं वो कृषि प्रधान जो है एरिया है, कैमूर बक्सर की बात कर ले तो वहाँ पे काफी जो है किसान जो है खेती करते हैं और उनको जो है जो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिलती है। इसी संदर्भ में उन्होंने कल वहाँ पे कहा था कि अगर कहीं भी चोरी होती है, चोरी का जो मामला आता है, अगर हमारे डिपार्टमेंट में अगर नीचे में किसी प्रकार की अनियमितता चोरी होती है तो उसके तो सरदार हम ही है, यानी मंत्री पे सारा आरोप जाता है। मणिभूषण, यहाँ पर जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही सरकार के अंदर ही कुछ उथल पुथल दिखाई पड़ रही है। एक तरफ दो विधायकों में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ प्रवक्ता जो है वो भी इस्तीफा दे देते हैं, अब मंत्री जी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है? देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, जहां तक जदयू की बात करें, क्योंकि जदयू ने पाला बदला है, एनडीए से आकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, तो उससे काफी जो विधायक हैं और लोग जो हैं वो नाखुश है, वो धीरे धीरे जो है उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है। जो है निखिल मंडल जो है जिन्होंने अपने प्रवक्ता पद से जो इस्तीफा दिया है, अपने निजी कारणों का हवाला दिया है, उससे पहले जो है बीमा भारती ने कई सारी जो आरोप जो मंत्री लेसी सिंह है उनके ऊपर लगाए, उसके बाद मानहानि का के तरफ से दावा किया गया, फिर उसके बाद ये बातें आगे बढ़ रही थी तो प्रदेश कार्यालय में जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लेसी सिंह को बुलाया जाता है और उनसे जवाब तलब किया जाता है, उसके बाद जो मामला ठंडा पड़ता दिखता है। लेकिन अभी कई सारे ऐसे नेता हैं जो जानकारियां मिल रही है कि काफी इस नीतीश कुमार के फैसले से काफी नाखुश दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अभी बिल्कुल मणिभूषण, यहाँ पर नीतीश कुमार के फैसले से कई जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता है जो
उनसे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और शायद इसी वजह से महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण।